नमस्कार, चमकते सितारे में आपका स्वागत है। मैं विश्वेंदु जयपुरिया। आज मेरे साथ जो व्यक्ति मौजूद है, ये मार्शल आर्ट चैंपियन है। इन्हें नेशनल और इंटरनेशनल कई अवार्ड मिल चुके हैं। सबसे बड़ी बात है, इनके हाथ के ऊपर से ट्रक निकल जाए इन्हें कुछ नहीं होता। इन्हें हॉकी से अगर मारा जाए तो इनके शरीर पे कुछ भी असर नहीं होता है। ये बहुत मजबूत कटकाठी के व्यक्ति है और यही वजह है कि इन्हें कई तरह के अवार्ड से नवाजा भी गया है। आइए इनसे बात करते हैं। प्रमोद पाठक, जो कि पतरातू निवासी है रामगढ़ के। प्रमोद जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले अपने बारे में बताइए कि ये मार्शल आर्ट का शौक कहाँ से जगा आपको? सर, बचपन में मैं दिल्ली गया था, हमारे एक अंकल थे गणेश मिश्रा जी, तो मैं दिल्ली उनसे मिलने गया था, तो ब्रूस ली का एक पिक्चर लगा था, इंटर द ड्रैगन। उन्होंने कहा कि चलो अब ब्रूस ली का एक पिक्चर दिखाते हैं। पिक्चर तो इंग्लिश में थी, बात समझ में नहीं आई, लेकिन मुझे ये लगा कि एक पतला दुबला व्यक्ति 8-10 लोगों को बहुत आसानी से मार सकता है। और मैं बहुत पतला दुबला हुआ करता था उस समय, 80 की बात है, तो मुझे लगा कि काश मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। मैंने अंकल से कहा कि अंकल, ये कैसे संभव है कि एक व्यक्ति 8-10 लोगों को आसानी से मार सकता है? उन्होंने कहा कि ये मार्शल आर्ट कराटे है, इसको सीखने के बाद अब ऐसा किया जा सकता है। और मैं आपको बता दूं कि मैं पढ़ाई छोड़ करके 6 महीना सिर्फ मार्शल आर्ट सीखने के लिए दिल्ली में रह गया था, और मैं वहाँ से सीखना शुरू किया। फिर पता चला कि रांची में भी होता है, तो फिर वहाँ सीखा। वहाँ के बाद गिद्दी में पता चला कि गिद्दी में है, गणेश थापा हमारे टीचर थे, उनसे जाके मिला और फिर मैं उनसे कराटे सीखने लगा। किस उम्र से शुरुआत हुई आपकी? उस समय मैं 6-7 साल का रहा हूँ, तो बहुत छोटा था, लेकिन जुनून था। उन्होंने एक बार मुझे दिखा दिया था कि गिद्दी है, हमारे यहाँ पतरातू से गिद्दी लगभग 35 किलोमीटर है, और मैं छोटा था लेकिन जुनून ऐसा था सीखने का कि मैं पैदल अकेले चला जाता था वहाँ पे। बहुत डर लगता था शुरुआत में, लोग कहते थे कि बचपन में, अभी भी गांव देहात में ऐसा कहा जाता है कि पीपल के पेड़ पे भूत होता है, तो बचपन में मुझे जहाँ जहाँ पीपल का पेड़ नज़र आता था भीड़ भाड़, तो डर लगता था। तो इसका उपाय मैं सोचा कि क्या करूं, तो एक हनुमान चालीसा अपने पास रख लिया, और जब उस पेड़ से गुजरता था तो जय बजरंग बली जय बजरंग बली कह के मैं दौड़ के जाता था। और जब पतरातू से भुरकुंडा पहुंचता था, उस समय रास्ते में कोई नहीं मिलता था, 3 बजे मैं सुबह निकलता था और लगभग 6 बजे तक मैं अपने स्थान पर पहुँचता था। मैं आगे बढ़ूँ इससे पहले आप दर्शकों को ये बताइए कि मार्शल आर्ट और कराटे, ये दोनों में अंतर क्या क्या, एक ही चीज़ है ये दोनों? मार्शल आर्ट फॉर्म है, जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाना चाहता हूँ कि CBSE एक बोर्ड है और उसमें कई स्कूल होते हैं, जैसे DAV स्कूल, सरस्वती शिशु मंदिर, शेष स्कूल, तो इस तरह का मार्शल आर्ट का फॉर्म है। मार्शल आर्ट एक संस्था का नाम है जिसमें कराटे, तैकांडो, जूडो, वुशु, अलग अलग गेम्स होते हैं। जैसे मार्शल आर्ट सबसे पहले कराटे से शुरुआत हुआ, जो कि जापान में लोग बोलते हैं कि जापान का है, लेकिन ये शुरुआत हमारे हिंदुस्तान की है। महात्मा बुद्ध शुरुआत किए, उनका एक बौद्ध धर्म एक लड़का था जो कि बौद्ध धर्म का प्रचार के लिए विदेशों में गया, और जहाँ जहाँ वो गए साथ में अपने आर्ट को लेके गए। जैसे चाइना में गए, तो चाइना में जाके मार्शल आर्ट को लोगों ने चाइनीज़ डांस को मिला करके वहाँ पे कुंग फू बना दिया। कोरिया में गए तो उसमें किक का ज़्यादा प्रचलन कर उसको ताइक्वांडो बना दिया गया। इस तरह से जापान में कराटे रिफाइंड होता चलेगा और अलग अलग नामों से अलग अलग देशों में इसे जाना जाने लगा। लेकिन ये हमारे भारत की ही देन है, लोग ये सोचते हैं कि जापान का देन है, ऐसा नहीं है, भारत की देन है। और हमारे महात्मा बुद्ध के द्वारा ये प्रचार किया गया था। और जंगलों से जाते थे वो, तो जंगलों में उसमें क्या हुआ करता था कि बौद्ध भिक्षु साथ में थे, निहत्था चलते थे, लेकिन जंगलों में जानवर हुआ करते थे, लुटेरे हुआ करते थे, तो उनसे बचने के लिए इस मार्शल आर्ट का उपयोग किया गया था, और वहाँ से फिर ये आगे निकला। आप 49 ईयर्स ओल्ड हैं? हाँ, यस। कदकाठी आपका बहुत मजबूत है, इसको मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं? ऐसा कुछ विशेष नहीं, मैं नॉर्मल खाना खाता हूँ। उस नॉर्मल खाने में क्या है वो बताएं दर्शकों को। दर्शकों को बताना, एक्चुअली मैं चावल नहीं खाता, रोटी खाता हूँ और फ्रूट्स लेता हूँ, नॉन वेज नहीं लेता हूँ। हाँ, दूध मेरा पर्सनल डाइट है, और चना वगैरह जो भूंगा करके खाता हूँ, चना है, मूंग है, सत्तू, 11 चीज़ों से मिलाया हुआ रहता है वो मैं लेता हूँ, 4 केला, 2 सेब, 1 संतरा मैं लेता हूँ, और दूध थोड़ा ज़्यादा लेता हूँ। कहना थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन 13 लीटर दूध मैं पर डे कंज्यूम करता हूँ, जिसमें 6 लीटर कच्चा दूध होता है, दूधे के साथ मैं पीता हूँ, 3 लीटर सुबह, 3 लीटर शाम, और 4 लीटर दूध का खोआ बनवा के खाता हूँ शाम में, फिर 3 लीटर दूध का मूंग दाल 100 ग्राम होता है उसका हलवा बना के खाता हूँ, और 1-2 लीटर अलग से गर्म करके पीता हूँ। ये नॉर्मल साथ में वर्जिश भी, 5 घंटा वर्जिश है सुबह शाम मिला करके, अपना खुद का, मेरे घर में सारा इक्विपमेंट्स है, और मैं बच्चों को भी मुफ्त में ट्रेनिंग देता हूँ और खुद भी डेली प्रैक्टिस करता हूँ। एक जुनून है मार्शल आर्ट सीखने का, बॉडी फिटनेस रखने का, और मैं ये दावा करता हूँ लोगों से कि मार्शल आर्ट सीखने के बाद आप कहीं पर भी
आठ दस लोगों से अपना बचाव आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि मार्शल आर्ट में दिखाया जाता है कि वीक पॉइंट्स जितने बॉडी में हैं, लोगों को अभी नहीं पता है, 550 वीक पॉइंट्स है पूरे बॉडी में, जहाँ पे थोड़ा सा नॉर्मल अटैक करके किसी को भी बेहोश किया जा सकता है और अपना बचाव किया जा सकता है। और जो मैं प्रैक्टिस करता हूँ, इसलिए इतना डाइट लेता हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ, मुझे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना होता है और कई वर्ल्ड रिकॉर्ड मैंने बनाया है। लेकिन आम लोगों के लिए जो मार्शल आर्ट सीखना चाहते हैं, उनके लिए ये सब जरूरी नहीं है। एक घंटा प्रैक्टिस करें, नॉर्मल खाना खाते हैं, बच्चे आराम से उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब 40 साल से हैं मार्शल आर्ट में, सबसे बड़ा अवार्ड आपको क्या मिला और कब मिला था पहला अवार्ड आपको? पहला अवार्ड मुझे 95 में मिला, जब मैं इंटरनेशनल मैच खेलने के लिए नेपाल गया, काठमांडू, वहाँ पे मैं इंटरनेशनल जीत के आया। उसके बाद 98 में एशियन गेम के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ। जब एशियन गेम के लिए सिलेक्शन जो थाईलैंड में हुआ था, 13th एशियन गेम 1998 में, वो मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। क्योंकि जब मैं वहाँ गया था तो गवर्नमेंट के साइड से था, 75,000 गवर्नमेंट दे रही थी और 25,000 मुझे देना था, और मेरे घर की स्थिति अच्छी नहीं थी, फाइनेंशियल बहुत वीक थे हम लोग, तो 300 रुपये मुझे घर से मिला था। और लोगों ने वहाँ पतरातू की आम जनता चंदा करके मुझे 25,000 रुपये दिए। पतरातू थर्मल पावर स्टेशन है, वहाँ पे एक जीएम थे रमान जी, राम सर, उन्होंने किया। हमारे दो मित्र थे, एक राजकुमार पासवान है अभी भी हैं, और एक हमारे भैया थे तिवारी भैया, उन्होंने काफ़ी मदद किया था। सारे लोगों ने चंदा करके मुझे 75,000 रुपये दिया, 25,000 अपने गवर्नमेंट साइड से, 75,000 गवर्नमेंट साइड से थी और 25,000 कलेक्शन करके मुझे मिला था। मैं थाईलैंड गया और सभी का प्यार था, प्रैक्टिस था, कि मैं वहाँ से थर्ड पोजीशन लेकर और ब्लैक बेल्ट थर्ड डैन लेकर के वहाँ से मैं आया था। प्रमोट में ऐसा माना हमारे गुरु हैं। कई बातें आपके बारे में मैंने सुना है कि आप, आपके हाथों पर ट्रक पार हो जाए तो कुछ नहीं होता है, हॉकी से मारा जाए तो बदन पे कुछ नहीं होता, ऐसा क्या क्या कारनामा है जो आप कर लेते हैं? ये आप लोगों का प्यार है और भगवान का, अल्लाह का, गॉड का, सबका दया है कि बस मैं प्रैक्टिस करता हूँ, और ये प्रैक्टिस मैं पिछले 40 सालों से सेम रूटीन फॉलो करता हूँ और आज भी कर रहा हूँ। तो प्रैक्टिस के दौरान ऐसा शरीर में इतनी ताकत आ गई है कि अभी 4-4 वर्ल्ड रिकॉर्ड मेरे नाम है, जो लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड 2007 में बना था, जिसमें 25 हॉकी स्टिक मेरे बॉडी पे मार के तोड़ा गया था 23 सेकेंड में, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और ये GTV का शाबाश इंडिया प्रोग्राम आता था, उसमें दिखाया भी गया था। दूसरा है एकता कपूर का एक सीरियल आता था, कौन है कितने पानी, उसके लिए मेरा सिलेक्शन हुआ। तीसरा, दो ट्रक को मैंने अपोजिट डायरेक्शन में रस्सी के सहारे मेरे हाथों में बांध दिया गया था और ट्रक फुल स्पीड से अपने तरफ खींच रहे थे, उसमें मैं 1:50 रोका था, ये भी गिनीज के लिए गया है। और नेक्स्ट गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अभी आने वाला है, जो कि बहुत जल्द हो सकता है फरवरी लास्ट तक हेमंत सोरेन जी के सामने होगा, वो आएगा तो आपको भी पता चलेगा। और बेड पे, जमीन पे लेट करके 20 केजी का हैमर होता है, वो खाली बदन पे, पेट पे लगभग 25 अटैक हुआ था, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और उसी हैमर से हाथ पे, पेट पे मारा गया था, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है ये। तो इस तरह के कुछ वर्ल्ड रिकॉर्ड से मेरे नाम है, जिसके लिए मुझे शिबू सोरेन सम्मानित कर चुके हैं, मधु कोड़ा मुख्यमंत्री सम्मानित कर चुके हैं, रघुवर दास सम्मानित कर चुके हैं, ममता बनर्जी सम्मानित कर चुके हैं, बूटा सिंह कर चुके हैं, खाद्य मंत्री सम्मानित कर चुके हैं, लालू यादव, ममता बनर्जी सम्मानित कर चुके हैं, यजनेश सेट्ठी जो फिल्म स्टार है, जो कि फिल्म डायरेक्टर हैं, फाइट डायरेक्टर हैं, जो कि अजय देवगन को आप देखा होगा अपने जिगर पिक्चर में ट्रेनिंग दे रहे हैं, उन्होंने मुझे अवार्ड दिया है। अभी हाल फिलहाल मतलब दिसंबर में मुझे एक अवार्ड दिया गया वर्ल्ड रिकॉर्ड मार्शल आर्ट की तरफ से, जूनियर टाइगर ली, जो हमारे वर्ल्ड रिकॉर्ड के, वर्ल्ड मार्शल आर्ट फेडरेशन के महागुरु हैं, उनके द्वारा दिया गया टाइगर एशियन टिली, जो अभी धनबाद में है, अभी पुणे से आए थे। और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि टाइगर ली, जूनियर टाइगर ली का खिताब मिला। इससे पहले मुझे मार्शल, वर्ल्ड मार्शल आर्ट की तरफ से आजीवन सदस्य प्राप्त है कि मैं कहीं भी विदेश जाऊँ तो फ्री ऑफ कॉस्ट मुझे ट्रेनिंग दी जाएगी, ये मेरा सौभाग्य है। लिम्का बुक में भी एक स्थान मिला, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड 25 हॉकी स्टिक ब्रेक करवा था मेरे पार्ट्स ऑफ बॉडी पे, वो 23 सेकंड में वो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में है। तीन चीज़ों का प्रैक्टिस कैसे करते हैं आप, अगर ट्रक को रोकना हो और हॉकी स्टिक से, ये प्रैक्टिस? वो तो सर वो नहीं, रेगुलर प्रैक्टिस नहीं होता, वो तो मैं घर में करता हूँ, सारा प्रैक्टिस है। टायर, डबल टायर, 6 टायर जो ट्रक का टायर होता है, वो मैं बांध करके खींचता हूँ, उठाता हूँ पर डे, और घर में सारे इक्विपमेंट्स है। मतलब पावर बढ़ाने की प्रैक्टिस करता हूँ, स्पीड बढ़ाने का प्रैक्टिस करता हूँ, साथ साथ योगासन 45 मिनट पर डे करता हूँ, क्योंकि ये माइंड और बॉडी का कनेक्शन है। तो आप यदि मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं तो फिजिकली भी स्ट्रांग है, दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो आप आसानी से कोई भी काम कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात होती है कि जैसे हॉकी स्टिक तोड़ना है, तो मार्शल आर्ट में सिखाया जाता है, ची है,
जैपनीज वर्ड है ये, ची का मतलब आंतरिक शक्ति, तो उसे विकसित करना होता है, और जब तोड़ना होता है किसी चीज़ को तो उस जगह पे पूरी शक्ति को उस जगह पे लाना होता है। जैसे हमारे हाथ पे आप अटैक कर रहे हैं तो पूरी ताकत को यहाँ ला देंगे तो आप कुछ किसी भी चीज़ से मारेंगे तो टूट जाएगा, हाथ को कुछ नहीं होगा। सेम चीज़ पेट में है, जहाँ जहाँ होगा मैं अपनी पूरी ताकत को वहाँ पर केंद्रित करता हूँ, और जब लाठी से तलवार से किसी चीज़ से मारा जाता है टूटता नहीं। जैसे एक मैं डेमोस्ट्रेशन दिखाना चाहता हूँ, जैसे जनरल ये हाथ है ऐसा दिख रहा है, लेकिन यदि यहाँ पर काटा जाए तो देखिए ये यहाँ पे आ जाता है, ये मसल्स है, ये परत बना हुआ है जो कि यहाँ पे तलवार से काटा जाएगा तो मसल्स कटेगा, हड्डी तक कुछ नहीं होगा। लाठी डंडा पड़ेगा तो हड्डी को कुछ नहीं होगा, ये मसल्स कट करेगा। वैसे ही शोल्डर पे है, रिब्स पे है, तो पूरा बॉडी का सिक्स पैक होता है। तो जहाँ पे अटैक होगा, क्योंकि मार्शल आर्ट में हथियार लेना नहीं है, हमारे शरीर ही हमारे हथियार होते हैं, हाथ पैर ही हमारे हथियार हैं, इन दोनों चीज़ों को इतना मजबूत बनाया जाता है, स्पीड और पावर दोनों चाहिए। मार्शल आर्ट में कहा जाता है कि बॉडी आपका फ्लेक्सिबिलिटी इतनी होनी चाहिए रबड़ की तरह, और मजबूत इस्पात की तरह, फ्लेक्सिबल बॉडी दोनों चाहिए, मतलब फ्लेक्सिबल चाहिए इलास्टिक की तरह, और बॉडी जो है आपका स्ट्रांग इस्पात की तरह होना चाहिए, मतलब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन यू कैन मूव योर बॉडी एज जस्ट यू कैन अप्लाई ऑल द टेक्निक्स। लेकिन आपकी बातों को सुनकर लग रहा है कि सामान्य आदमी के लिए ये संभव नहीं है कि घर में टायर जुगाड़ ले, ट्रक का चार ट्रक से खींच के वर्जिश कर रहा है। एक्चुअली ये जुनून है, और जब जुनून किसी चीज़ पे होता है, पागलपन, जब पागलपन आ जाता है तो कुछ भी संभव है। पागल का एक डिफिनेशन मैं अपने साइड से बनाया हूँ, हिंदी का तीन वर्ड है पमेकर, पा ग और ल, तो मैंने दिया है उसको कि अब जो अपने लक्ष्य को पा से पाने के लिए, ग से गतिशील, रह से रहता हो, ल से लगातार, जो अपने लक्ष्य को पाने के लिए है ना गतिशील रहता हो लगातार, उसे पागल कहते हैं, और पागल इतिहास रचते हैं। जितने भी इतिहास जिन्होंने भी रचा है वो कहीं ना कहीं अपने काम के प्रति पागलपन था, जुनून था, जिस वजह से, और मैं भी थोड़ा सा पागल हूँ ऐसा लोग मेरे घर वाले भी कहते हैं। तो ये पागलपन आपको कहाँ लेके जाएगा, क्या रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं? सर अभी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड गिनीज पे जाने वाला है, जिसमें तलवार का बेड है, 17 तलवार है, उस पर लेटना है, 460 ट्रक पार करेगा ऊपर से, और एक हाथी अपना पैर मेरे पेट के ऊपर रखेगा, उसको प्रेशर करेगा। ये दो वर्ल्ड रिकॉर्ड अभी बनने वाले हैं। काफी खतरनाक है ये। हाँ, खतरनाक। वर्ल्ड रिकॉर्ड का मतलब है कि जस्ट यू डू द वर्क द वर्ल्ड, नोबडी कैन डू सेम वर्क इन द वर्ल्ड, इट्स कॉल्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो मेरे जैसा कोई दूसरा नहीं कर सके, उसके लिए दिन रात तैयारी करता हूँ, संयमित जीवन जीता हूँ, बाहर का कुछ भी नहीं खाता हूँ। दर्शकों के लिए मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि मैंने बचपन से आज तक तेल से बना हुआ चीज़ कुछ भी नहीं खाया, जैसे आम जीवन में लोग खाते हैं सिंगाड़ा, जलेबी, पूड़ी, कचौड़ी, चाय, मैगी, कॉफ़ी, चाउमीन, पिज़्ज़ा, बर्गर, मैंने टेस्ट भी नहीं किया आज तक, क्योंकि बचपन से मुझे ये बताया गया था कि यदि आप शरीर को मजबूत बनाना चाहते हैं तो इन सब सारी चीज़ों से आपको दूर रहना होगा, और ब्रह्मचर्य पालन करना होता है, संयमित जीवन जीना होता है, पॉजिटिव थिंकिंग रखना होता है, न किसी से लड़ना है, न किसी से झगड़ना है। तो इन सब सारी चीज़ों को मैं बचपन से मानता हूँ और आज भी मैं कर रहा हूँ। मेरा कोई दोस्त नहीं है जिससे मैं घर में जाके बैठ के टाइम वेस्ट करूँ या उसके पास टाइम पास करूँ, किसी से मैं नहीं मिलता हूँ, इन द सेंस कि मैं सामाजिक व्यक्ति हूँ, लेकिन किसी से बात करने के लिए उसके घर जाके या मेरे घर कोई आकर के टाइम वेस्ट करे ये मुझे पसंद नहीं, क्योंकि टाइम एक फिक्स है, शुरू से लेकर के शाम तक का रूटीन फिक्स है, उसी को मैं फॉलो करता हूँ, और एक रूटीन बनाया जो आज भी मैं फॉलो करता हूँ, स्पेशल मैं कुछ नहीं करता, बस रूटीन फॉलो करता हूँ। जी, महिलाओं पर अत्याचार बहुत ज़्यादा बड़े हाल के दिनों में देखा भी, हर दिन अखबार लगे रहते हैं उनसे। आपसे जानना चाहेंगे ये मार्शल आर्ट जो है ये लड़कियों के लिए तो बहुत काम का चीज़ है, तो कभी आपने आप सिखाते हैं बच्चों को, लड़कियों को सिखाते हैं आप ये ट्रेनिंग? सर हमारे पास बहुत सारी लड़कियां हैं जिन्होंने वर्ल्ड मार्शल आर्ट में बहुत सारा रिकॉर्ड भी बनाया है, वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है, और कई लड़कियां तो ऐसी हैं जो कि लड़कों को खुलेआम दौड़ा दौड़ा के मारती हैं, जो अपना सेल्फ डिफेंस सीखने के बाद। दो चार बच्चियाँ हैं जिसमें एक आरती थी, एक हमारी प्रियंका है, अभी प्रिया कुमारी जो वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाई है अभी, उसके बाद श्रेया है, ये सारी बच्चियाँ जो अपने आप एक मिसाल बनाई है, जो कि नेशनल इंटरनेशनल भी जीत के आ चुकी हैं, और हमारे पास बच्चियाँ 51 स्टूडेंट जो इंटरनेशनल चैम्पियन है मेरे पास, मैं अभी ऑल इंडिया में 25 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट को मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ, बतरातू हैं बहुत सारे। एक कहावत है कि गुरु गुड़ चेला शक्कर, तो आप तो इतना नाम कमा लिए और इंटरनेशनल और नेशनल सारे अवार्ड लिए, आपसे आगे आपका कोई चीज जा सका कि नहीं जब 25 अभी तक तो नहीं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मुझसे बेहतर बने, जैसे विकास पाठक हैं, धीरज पाठक हैं, प्रिया है, ये सारे बच्चे हैं, राजकुमार है, ये सारे बच्चे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं, विकास पाठक का भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है, और लिम्का में भी उसका रिकॉर्ड है, प्रिया का भी है,
राहुल का भी है, तो मैं चाहता हूँ कि ये जिस दिन मुझसे आगे निकल जाएंगे उससे सबसे ज़्यादा खुशी मुझे होगी, क्योंकि हर गुरु चाहता है कि उसका चेला उससे बेहतर हो, और मैं भी इस उम्मीद में हूँ। आप 49 ईयर्स ओल्ड हो गए हैं, मार्शल आर्ट को मैं समझना चाहूँगा कि आने वाले कितने दिनों तक आप इसको कर सकते हैं, ये मेंटेन रह सकता है बॉडी आपका, और ये आप कर सकते हैं मार्शल आर्ट? ये एक्चुअली लोग कहते हैं कि शारीरिक मजे के डॉक्टरों ने सलाह दिया, मेरे बहुत क्लोज मित्र हैं, उन्होंने कहा कि अब एज ज़्यादा हो गया तो थोड़ा प्रैक्टिस कम कर दो, लेकिन मुझे आज तक फील नहीं हुआ कि मैं इतना एज हो चुका या कम कर देना चाहिए। जैसे डाइट में लेता हूँ, एक डॉक्टर लहा है हमारे यहाँ पितरातु में, मित्र हैं हमारे, उन्होंने कहा कि अब जो आप कच्चा दूध पीते हो पीना कम कर दीजिए, बंद कर दीजिए और उसी दूध को गर्म करके पीजिए। तो मैंने उनसे कहा कि सर जिस दिन मुझे फील होगा कि मुझे कुछ कमजोरी हो रही है या मैं प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा हूँ, ऑटोमेटिक मैं कम कर दूंगा, लेकिन आज तक जो आज से 40 साल पहले जो जुनून था, जो जोश था, जो प्रैक्टिस था, आज के डेट में मैं उसी जोश के साथ प्रैक्टिस करता हूँ। मुझे कभी फील नहीं हुआ कि मैं कमज़ोर हो चुका हूँ या उम्र ज़्यादा हो गया। मैं कई बार पढ़ा हूँ बुक्स में कि एज जो है काउंटिंग है, नंबर गेम है, और मुझे आज तक ऐसा फील नहीं हुआ है कि मैं बहुत ज़्यादा एजेड हो गया हूँ। मैं प्रैक्टिस आज भी मैं 45 किलोमीटर रनिंग करता हूँ, 8 किलोमीटर में दौड़ने जाता हूँ और लगभग 5 घंटा सुबह शाम मिला के प्रैक्टिस करता हूँ। तो मैं देखता हूँ भगवान की मर्जी रही तो आगे 10-20 साल और दो चार रिकॉर्ड बनाऊंगा। घर वालों ने आपको सपोर्ट किया यहाँ तक पहुँचने के लिए? जी पूरी तरह से भी है। वो आपको कितना सपोर्ट करते हैं, आपको कोई फॉलो कर रहा है इस तरीका से बॉडी बनाने में? घर में तो सारे लोग फॉलो करते हैं, सबसे ज़्यादा पापा का आशीर्वाद रहा, सपोर्ट रहा, मेरी वाइफ काफ़ी मदद की, क्योंकि जो कुछ भी मैं हूँ आज उन्हीं के बदौलत हूँ, क्योंकि खाना तो वही बनाती है, सारा खाना सारा तैयारी करके वो देती है। मेरे बच्चे दोनों नेशनल चैंपियन है कराटे में, अब तो जॉब में है, और दोनों इंजीनियर हैं तो जॉब में है, और प्रैक्टिस जहाँ तक उनका हुआ, मेरे भाई चारों भाई हैं, चारों इंटरनेशनल चैम्पियन है, विकास पाठक, धीराज पाठक, दीपक, शशि, और मेरी बहन ममता, वो भी ब्लैक बेल्ट है। अच्छा। तो घर में सारे लोग ब्लैक बेल्ट है, कहा जाता है ना कि फ्री क्या है, घर में सारा कुछ है तो लोग करेंगे ही, तो मुफ्त में सारा कुछ मिला है वो मजबूरी है। जैसे जनरल के घर में यदि आप हैं तो सारे लोगों को रूल फॉलो करना होता है, तो घर में सारे बच्चे सीखते हैं, और सबसे ज़्यादा खुशी तब होती है जब मैं महिलाओं को सिखाता हूँ। दो तीन महिलाएँ आई थी, आंटी लोग, जो कि 55 साल, एक का तो 45 साल एज था, उन्होंने कहा बेटा मैं भी सीखना चाहती हूँ, और मैंने उनको ट्रेनिंग दिया था। तो मेरे लिए बहुत ही यादगार पल है कि आंटी को जब मैं ट्रेनिंग दे रहा था उसी जोश में सीख रही थी, वो भी बच्चों के साथ सीख रही थी, जैसे कि जो बच्चे सीखते हैं छोटे बच्चों के साथ में। तो ये काफ़ी स्पेशल था लोगों के लिए, काफ़ी इंस्पायर हुए थे लोग, और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और अभी रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट का 52 स्कूल में कराटे ट्रेनिंग चलता है, जो लोग देते हैं फ्री में सारा ट्रेनिंग होता है, और मैं भी जब समय मिलता है तो मैं जाकर के ट्रेनिंग देता हूँ मुफ्त में, और रांची, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, झारखंड के अलग जगह में, इंडिया के हर कोने पे ट्रेनिंग होता है, मैं जाता हूँ, ट्रेनिंग भी लेता हूँ। अभी भी मैं ट्रेनिंग लेता हूँ, प्रमोट में शामाना है, और नेपाल के TH राय हैं, जापान के तेजी सुजुकी हमारे गुरु हैं, उनसे मैं अभी भी ट्रेनिंग लेता हूँ। आप स्कूल में भी कहीं शिक्षक हैं? हाँ, मैं DAV पता तो DAV पब्लिक स्कूल में PT टीचर हूँ। कैसे समय निकाल लेते हैं जब आप वर्जिश कर रहे हैं, उसके बाद ट्रेनिंग दे रहे हैं बच्चों को, तो इस बीच में ये शिक्षक का रोल, ये कैसे निकाल रहे हैं समय? हर चीज़ का मैं बताया आपको कि हर चीज़ का रूटीन फिक्स है। मैं सुबह में 2:30 बजे जगता हूँ, जिसमें आधी रात होती है, और फिर मैं फ्रेश होने के बाद रनिंग करने जाता हूँ, 45 मिनट रनिंग करके लौटता हूँ, फिर घर में प्रैक्टिस होता है, 6:45 तक प्रैक्टिस चलता है, ग्वाला आता है, दूध पीता हूँ, तैयारी करके स्कूल जाता हूँ, स्कूल से 3 बजे लौटता हूँ, फिर 1 घंटा बच्चों को स्पोकन इंग्लिश का क्लास होता है फ्री में, सबको मैं सिखाता हूँ, अगल बगल के जितने भी महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, बच्चे, उनको ट्रेनिंग देता हूँ, फिर 4 बजे से मैं अपना प्रैक्टिस शुरू करता हूँ रात के 9:30 बजे तक, फिर खाना खा के सोता हूँ 10 बजे, और फिर सुबह उठता हूँ, और अलग से कुछ नहीं करता। मैं बताया कि कहीं मैं जाता नहीं, रूटीन फिक्स है। पढ़ने का बहुत शौक है, मेरा छोटा सा लाइब्रेरी है, उसमें 29,936 बुक्स हैं जो मैंने पढ़ा है और आगे भी पढ़ता हूँ, जब समय मिलता है तो बुक्स, ज़्यादा से ज़्यादा समय मैं बुक्स के साथ स्पेंड करता हूँ। आपके घर में सारे लोग मार्शल ही हैं जैसे आपने बताया, तो एक बात जानना जरूर चाहूँगा, आप मोमोज नहीं खाते, क्या घर के सारे लोग यही करते हैं कि फास्ट फूड नहीं खा रहे हैं? नहीं, नॉनवेज नहीं खा रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, उनका शौक है, खाते हैं जिनको पसंद है वो खाते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं कि नहीं खाएं। मैं बच्चों को भी बताता हूँ कि यदि बॉडी अच्छी रखनी है तो आपको नॉनवेज को परहेज करना होगा और फास्ट फूड को परहेज करना होगा, क्योंकि एनर्जी स्टोर करना है। तो खाने से पहले एक वर्ड मैं और बताता हूँ आम दर्शकों के लिए भी, कि लोग पूछते हैं खाना का क्या ये है, तो खाना दो वर्ड से बना है, खामे कर खा और नामे करना, ये सब मेरा अपना बनाया हुआ है। तो जो भी खाते हैं आप, तो खाने से पहले आप देखिए कि जो खाने जा रहे हैं
खरीद के खा रहा हो या थाली पे आ रहा हो, तो प्रोटीन्स विटामिन्स मिनरल्स उसमें है या नहीं, पांच चीज जरूरी होता है खाने के लिए। तो ये सारे लोग नहीं जानते हैं कितना प्रोटीन्स चाहिए, कितना कैलरीज चाहिए, विटामिन्स मिनरल्स है, कार्बोहाइड्रेट है या नहीं। तो आम लोग इतना जानते हैं कि हमारे सेहत के लिए फ़ायदेमंद है या नहीं, फल हो, दूध हो, ये सारा कुछ। यदि आपको लगता है कि जो खाना मैं खाने जा रहा हूँ वो सेहतमंद है, फ़ायदेमंद है, तो पहला वर्ड यूज़ करना है खामे कर खा, उससे खा लेना है। लगता है कि ये सेहत के लिए अच्छा नहीं, तो दूसरा वर्ड है नामे करना, उसे ना कर देना है। तो खाने का डेफिनेशन मेरा ये है, वही मैं खाता हूँ जो जरूरी है। सबको मैं यही कहता हूँ, जो जरूरी है वही खाओ, क्योंकि पेट हमारा ना कूड़ेदान है ना कब्रिस्तान है। कूड़ेदान इन द सेंस कि कुछ भी उस पर डाल दिए, और कब्रिस्तान मरे हुई चीज़ों को डाल दफनाने का जगह भी नहीं है ये, क्योंकि ह्यूमन बॉडी जो बनाया है वो सुपाच्य भोजन के लिए है। और मांसाहारी, मैं किसी को हर्ट नहीं कर रहा, सॉरी, कि वो जो खाते हैं खाएं, लेकिन मांसाहार के लिए हमारा शरीर नहीं बना है। पचाने में हमारे इंस्टाइन को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, और एक दिन आप यदि आप खाते हैं तो उसको ढाई दिन तक उसका असर हमारे बॉडी पे होता है। तो ऐसा खाना खाएं जो कि शरीर पे स्वस्थ रहे। और यह भी एक स्वस्थ का कारण है कि मैं ननभेज नहीं लेता हूँ, तो आसानी से खाना खाता हूँ, आसानी से पचता और सेहतमंद हूँ, और आप लोगों का प्यार है। प्रमोद जी, आजकल के बच्चे बहुत आलसी हो गए हैं, कुछ करना नहीं चाहते हैं, पढ़ाई तो ढंग से करते ही नहीं। बहुत सारे बच्चे हैं जो मार्शल आर्ट और कराटे तो जानते भी नहीं है, वो बस सुनते हैं और कुछ कभी उस पर उनका इंटरेस्ट भी नहीं रहा। ऐसे बच्चों को क्या कहना चाहेंगे आप? मैं बच्चों को ये कहता हूँ, आपको जो पसंद हो गेम खेलो, लेकिन फील्ड पर ज़रूर जाओ। पेरेंट्स से भी कहना चाहता हूँ कि घर में बच्चों को मत रखें, उनको अपनी ज़िंदगी जीने दीजिए। बचपन जो होता है बहुत अनमोल होता है, और उनको रोड पर बाहर निकालिए, फील्ड पर ले जाइए, खेलने दीजिए। क्योंकि आजकल के लोग वीडियो गेम, मोबाइल में सारे बिजी हैं, भूल गए। तो आउटडोर गेम्स के लिए पेरेंट्स को इंक्रेज करना होगा। मैं स्कूल में हूँ तो मैं सारे लोगों को कहता हूँ, खेल खेल में बच्चों को सिखाना, ये नहीं बताना है कि मार्शल आर्ट सीखना है, कराटे सीखना है, गेम खेलना है। उसको जो पसंद हो वही खेलने दीजिए, और उसी खेल में कुछ ना कुछ सिखा देना है। जैसे कि मैं आपको अभी एक टिप्स लोगों को मैं बताता हूँ, जैसे आप हाथ मिलाते हैं ऐसे, किसी से दबाइए तो ऐसा कोई दबा रहा हो, तो यहाँ पे आप दबाइए कस के, तो यहाँ पे दबाना ऐसे, देखिए, तो आप छोड़ दिए, आसानी से ये वीक पॉइंट्स यहाँ पे छोड़ेंगे तो कोई भी छोड़ देगा। दूसरा है कि चाकू वगैरह हाथ में जैसे ऐसा कोई रखा हुआ सामने हो, तो यहाँ पे देखिए, ये दो उंगली होता है और यहाँ पे प्रेशर होता है, यहाँ पे दबाएंगे तो ये हाथ छूट जाएगा। तो ये मैं बता रहा था वीक पॉइंट्स लोगों को, कि वीक पॉइंट्स बॉडी में जो है हमारे, तो 550 हैं। जैसे कान के नीचे यहाँ पे आप दबाएंगे, अपना थोड़ा सा दबा के देखिए ऐसा होगा, तो ये दबाएंगे तो नस, ये यहाँ पे लोग गला दबाते हैं, ये दोनों उंगली से यहाँ पे हल्का सा दबाते हैं तो उनका सांस रुक जाता है। तो ये छोटे छोटे विक्स पॉइंट जो कि बच्चों को सिखाने से बहुत मजा आता है उन्हें, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग है। जब बच्चे इंटरेस्ट लेने लगेंगे तो आप आसानी से उनको सिखा सकते हैं। लेकिन ये बोल के कि चलो मार्शल आर्ट सीखना है, गेम खेलना है, तो नहीं खेलना चाहते, पहले उसके अंदर इंटरेस्ट उनके अंदर लाना होता है। जब इंटरेस्ट आ जाए फिर आसानी से वो सीखने लगते हैं, और खुद आते हैं, मेरे पहुँचने से पहले पहुँच जाते हैं कि सर मुझे भी सीखना है, सर मुझे भी सीखना है। तो जो बच्चा खुद आके बोलता हो उसको सिखाने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो मैं बच्चों को कोशिश करता हूँ, उनको मोटिवेट करूँ कि बेटा आप कुछ सीखो, कुछ ऐसा बनो कि आप किसी को भी मार सकते हो, अपना बचाव कर सकते हो। तो बच्चों को इंटरेस्ट पहले पैदा करता हूँ, उनको लाता हूँ फील्ड में, फिर उनको सिखाता हूँ। आपकी ताकत का अंदाजा मुझे हो गया। मेरी शुभकामनाएं है कि बहुत नाम रोशन करें देश का आप, और आगे भी जाएं और आगे जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत सारी सार्थक बातें बताई। तो ये हमारे साथ थे प्रमोद पाठक, इनको आपने सुना, ये मार्शल आर्ट चैंपियन है। अगली बार फिर किसी नए अतिथि के साथ मिलता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद सर। तो बहुत सारी बातें स्टूडियो में हो गई। ये है प्रमोद पाठक जी, मार्शल आर्ट एक्सपर्ट, कई रिकॉर्ड है इनके नाम। अब ये एक हैरत अंगेज करतब दिखाने वाले हैं आपको। इन्होंने स्टूडियो में बताया कि इनके हाथ के ऊपर से गाड़ियां पार हो जाती है, तो आइए इनका ये करतब हम लोग देखते हैं। प्रमोद जी बताइए कैसे होगा ये? दिखा रहा हूँ कि पंजे से गाड़ी पार करते हैं, पार होगी बिल्कुल।
तो ये है गुरुकुल कोचिंग इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर जेपी जैन जी। जेपी जी एक गाड़ी को चला रहे थे जिनकी प्रमोद जी की कलाई से गाड़ी पार हुई है, तो जेपी जी कैसा लगा पूरा ये अनुभव? आपने कभी ऐसा देखा था पहले? नहीं, मैंने कभी नहीं देखा था। मैं तो धड़कने रुक गई और मुझे लगा कि मैं चलाऊं कि नहीं चलाऊं गाड़ी को। और इनके जज्बे को सलाम, जुनून को सैल्यूट करता हूं मैं कि इतना हैरत अंगेज कारनामा इन्होंने कर दिखाया है। और टीम के जितने भी मेंबर्स हैं जिन्होंने हौसला बढ़ाया, आवाज़ लाइव, और जितने भी टीम के सारे सदस्य गण हैं, मैं उन्हें बहुत बधाई देना चाहता हूं और ख़ास करके इनके जुनून को बहुत सैल्यूट करना चाहूंगा। जो इन्होंने कर दिखाया है वो अद्भुत, अद्वितीय और अनुपम है। जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हरीश श्रीवास्तव जी है, इनसे जानना चाहेंगे कि ये पूरा जो इन्होंने देखा है ये अनुभव कैसा रहा इनका? एकदम सिरहन, शरीर में सिरहन, मतलब मर्द होने के बाद भी रोंगटा खड़ा हो गया। बहुत ही मतलब अद्भुत और अजब है।